गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अभी टाइम हो रहा है 9 बज गए हैं और मैं यहाँ पे मतलब उठ चुका हूँ और मैं फ्रेश होकर भी आ चुका हूँ। मतलब उठने के बाद के सारे काम हो गए हैं। अब बैठा हूँ तो अभी भी पता नहीं, अभी भी कम से कम 6-7 दिन और है कॉलेज खुलने में, एग्ज़ाम्स में। तो ये ऐसा एग्ज़ाम है कि इतना टेंशन की बात है नहीं, तो अब देखते हैं क्या करना है। अभी तो जब कॉलेज खुलने से 3 दिन पहले जाके दोनों सब्जेक्ट का थोड़ा बहुत रिवाइज करूँगा, फिर दोनों सब्जेक्ट का देख के आऊँगा। अब अलग अलग पढ़ने से बढ़िया एक बार मैं पढ़ूँगा, क्योंकि ईजी सब्जेक्ट है तो निकल जाएंगे, उसका कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलो फिर देखते हैं, कुछ काम मिलेगा तो काम करेंगे, नहीं तो फिर कुछ एक्सप्लोर करेंगे लैपटॉप पे बैठ के ही। गाइस अभी बैठा हुआ था तो यहाँ पे मतलब मेरठ की ऐसी गर्मी है कि पूरे चेहरे पे टैन ला दी है। और इससे पहले सोनभद्र में ये हाल नहीं था, मतलब सोनभद्र में ऐसा था कि वहाँ पे इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी, मतलब बारिश भी बहुत ज़्यादा होती थी और गर्मी तो थोड़ी कम थी, तो वहाँ पे इतना ऐसा कुछ नहीं था, एकदम पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ था तो वहाँ पे एकदम सही था। बट यहाँ पे इतनी गर्मी है कि पूरा चेहरे पे टैन आ गया है, धीरे धीरे पिंपल्स भी आने लगे हैं, तो इनका इलाज तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि अब पहले मेरा एकदम अच्छा था, चेहरा ग्लो करता था, बट यहाँ की गर्मी ने जो हालत ख़राब कर दी, उसको रिपेयर नहीं करूँगा तो आगे जाके और प्रॉब्लम करेगा। तो सोच रहा हूँ क्या कहते हैं, ओनियन का जो पेस्ट होता है वो बना लूँ और चेहरे पे उसको लगा लूँ, फिर देखते हैं। मैंने तो ट्राई बहुत बार किया तो उससे सही होता है, बाकी अब देखते हैं क्या है। बनाता हूँ और ट्राई करता हूँ, वैसे भी छुट्टी है तो आराम से 5-6 दिन तक लगा सकता हूँ अभी भी। यहाँ पे मैंने प्याज काट के रख लिए हैं और अब इसको खोलता हूँ। इसको उसमें डाल दिया, इसको बंद कर दिया, फिर इसको तो गाइस सब कुछ रेडी हो चुका है और अब इसको कनेक्ट करते हैं इससे और इसको ऑन करते हैं। लेट्स सब रेडी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एकदम अच्छे तरीके से पीस चुका है प्याज और बगल में नींबू रखा है, तो अब इसका जो ये अंदर का पानी है ये निचोड़ना पड़ेगा हमें, और ये जो बाहर का जो सूखा हुआ प्याज होगा उसको हटाना है, फिर ऐसे अप्लाई करना है। तो गाइज अभी टाइम हो रहा है 5 बज गए और मैं सो के उठ चुका हूँ। सो के क्या, मैं सोने की कोशिश के चक्कर में 2 मूवीज देख ली, फिर भी नींद नहीं आई, या तो इतनी गर्मी बढ़ गई है। और फिर अब मन किया मैगी खाने का, मम्मी को भी मन था मैगी खाने का, तो मैगी लेने जा रहा हूँ और फिर मैगी लाते हैं, फिर बनवाते हैं, फिर खाते हैं। बहुत दिन हो गया मैगी खाए हुए, तो मैगी खाना भी सही है। चलो छुट्टी में मैगी तो और मज़े आएंगे। और सोडा रहा घर में तो शिकंजी बनवा लिया जाएगा, तो चलो देखते हैं, चलते हैं। भाई साहब गर्मी से हाल बेहाल है और क्या ही बोले, देख तो धूप बहुत तगड़ी है, 5 बजना है फिर भी मैगी की तलब लगी है तो खाने के लिए निकलना पड़ेगा। वो तो अच्छी बात है कि घर के बगल में ही शॉप है ग्रोसरीज की, तो कुछ भी लेना हो तो बाहर निकला, जस्ट बगल में शॉप है। तो चलो दिखाता हूँ, देख सकते हो आगे गौ माता खड़ी है और ये देखो शॉप भी आ गई। तो चलो पूछते हैं बाहर की मैगी कितने की साइज, 14 की हुई, 15 की हुई, याद नहीं, देखना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। चलो तो गाइस मैंने मैगी ले लिया है और अब घर की तरफ बढ़ रहा हूँ।
तो गाइस यहाँ पे मैगी की प्रिपरेशन चालू हो चुकी है। यहाँ पे मम्मी प्याज और टमाटर पीस के ला चुके हैं और अब देखते हैं क्या क्या। बाकी सब तो रेडी है, मैगी रखी है वहाँ पे, कढ़ाई चढ़ रही है और मम्मी पूरी तैयारी करके फाइनल स्टार्ट देने जा रही हैं, फिर आखिरी में फाइनल एंड देंगी। तो मज़ा बहुत आएगा, अभी तो बनने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, तब तक इंतज़ार करेंगे और क्या। शाम के टाइम में मैगी, मैगी तो सबकी फेवरेट है यार, किसकी फेवरेट नहीं होगी, सबकी फेवरेट है। तो गाइस यहाँ पे मम्मी अपना शुरू कर चुकी है मैगी बनाने का प्रोसेस, और सबसे पहले इसका ग्रेवी बनेगा, फिर यहाँ पे मैगी रखा है वो डाला जाएगा इसमें। तो गाइस यहाँ पे मेरा मैगी आ चुका है, देखने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है और होगा ही टेस्टी मम्मी ने जो बनाया है। तो अब खाते हैं और मैगी के मज़े लेते हैं, साथ में यूट्यूब से कुछ देखेंगे खाएंगे। बट प्रॉब्लम एक ये, इसमें चम्मच नहीं है तो चम्मच लेने जाना पड़ेगा मुझे। और यहाँ पे मम्मी अपना ले रही हैं, थैंक यू मम्मी। और यहाँ से मैं उठा लेता हूँ एक चम्मच और अब चलो यहाँ पे यहाँ रख देते हैं। गाइस यहाँ पे मैं अभी टाइम कितने घर में, टाइम 9 बज गए। हाँ तो 9 बज गए हैं और मैं यहाँ के दूसरी बार नहा के आ चुका हूँ और अब खाना भी बन के तैयार हो चुका है। बट भूख कम है क्योंकि मैगी से जो मज़ा आ गया था उसके बाद तो कुछ खाने का मन कर ही नहीं रहा है। तो खाना तो एकदम तैयार है, भिंडी आलू की सब्जी है और क्या कहते हैं दूध होगा, आम होगा, जो होगा सब होगा। तो आज लेकिन मज़ा बहुत आया मैगी खा के, वो भी मम्मी के साथ। आज तो पूरा दिन घर ही पे था, ना कुछ बाहर गया ना कुछ किया। आज ऐसे सोच रहा हूँ रात को अपना पढ़ के टूर्स एंड ट्रैवल्स का ख़त्म ही कर देता हूँ, ना आगे पीछे का झंझट रहेगा ना कुछ रहेगा। ईवीएम भी सोच रहा हूँ उसके साथ निपटा दूँ, फिर आराम से एक हफ्ते आराम करूँगा, फिर जब भी हो एग्ज़ाम अपना निकल जाएगा बहुत ईजी वे में। तो यही सब है अभी तो। और आज पूरे दिन डिट्टो, आज पूरे दिन कहीं नहीं गया मैं, सिर्फ घर में था, घर से बाहर गया ही नहीं। तो आज तो फुल डे व्लॉग हो गया घर का ही, नहीं तो कहीं बाहर ज़्यादा रहता था, आज कहीं गया ही नहीं हूँ। सारे फ्रेंड्स गए तो थे बट मैं नहीं गया क्योंकि घर में रहने का मन था तो घर में रहा, बाकी तो यही सब है आज चल रहा है। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही, अभी मैं जाऊंगा खाना खाने के लिए। तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके उतना शेयर करें क्योंकि शेयर करने से प्यार बढ़ता है, मैंने कितनी बार बताया। तो कर लिया करो और क्या कहते हैं, और कुछ नहीं, फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।